नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको 16वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। और आज 16वें अध्याय में है, नारद जी के उपदेश से राजा चित्रकेतु को ज्ञान प्राप्त होना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो। भगवत गीता सबको सुननी चाहिए, बड़े छोटे, और छोटे से सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बड़े में भी सुनोगे पर ज़रूर सुनना। छोटे में सुनो, बड़े में सुनो, अपने घर में बच्चों को पढ़ाया करो, सुनाया करो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा चित्रकेतु बड़ी रानी समेत उस बालक के शोक में ऐसा व्याकुल था, ऐसे व्याकुल थे दोनों के दोनों राजा और रानी, कि ऋषिवरों के समझाने पर भी उसका शोक नहीं गया। तब जब उसने आँख खोलकर अंगिरा और नारद ऋषि को पहचाना, तब उनके चरण अपने आंसुओं से धोकर विनयपूर्वक कहा, हे महाराज, एक बार किसी तरह इस बालक को जगा दो तो मुझे धैर्य हो जाएगा। इस बालक को एक बार जिंदा कर दो तो मुझे धैर्य हो जाएगा। यह वचन सुनते ही नारद मुनि ने अपने योग बल से उस बालक के जीवात्मा को बुलाकर, उस बालक के प्राणों को बुलाकर आकाश में खड़ा कर दिया, और राजा और रानी के सम्मुख उसने कहा कि तुम अपने शरीर में आकर माता पिता के शोक को दूर करके इन्हें सुख दो और सातों द्वीपों का राज्य करो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तब वह आत्मा चित्रकेतु से क्रोधित होकर बोला, यह मेरे किस जन्म के माता पिता हैं और मैं किस जन्म का इनका बेटा हूँ। संसारी व्यवहार सदा से यूँ ही चला आता, संसार का जो व्यवहार है वो हमेशा ऐसे ही चला आता है। जिस तरह मनुष्य दान करने से उसको अपना जानते हैं, परंतु वह किसी का नहीं होता। जिस तरह मनुष्य दान करता है और उसको अपना जानता है परंतु वह किसी का नहीं होता, उसी तरह जीवात्मा भी 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। परंतु वह किसी के अधीन नहीं होता। इसलिए मेरा व इनका कुछ भी नाता नहीं है। पूर्व जन्म में मैं और चित्रकेतु दोनों मनुष्य राजा होकर आपस में लड़ते थे। जब मैं अपनी सेना काट जब मैं अपनी सेना कट जाने से ब्रह्मांड में वन में जाकर छिपा, तब इसने वहां आकर मेरा मस्तक काट दिया था। उसी कारण इस जन्म में मैंने पुत्र होकर इसे दुख दिया है। ये सब स्त्रियां पिछले जन्म में 1 करोड़ स्त्रियां हैं इस जन्म में वे पिछले जन्म में 1 करोड़ चींटियां होकर मांद में रहती थी। हमने दांतों करते समय उनके बिल में पानी गिरा दिया था तो वे सब मर गई थी। इसी कारण इन स्त्रियों ने मुझे जहर देकर अपना बदला लिया। इसी तरह सब जीव संसार में जन्म लेकर एक दूसरे से अपना बदला लेते हैं। ऐसा कहकर ये जीवात्मा चली गई, और ये बात सुनकर राजा व रानी का शोक छूट गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय।